राधे राधे, एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी उन प्रश्नों को जो आप लोगों ने पूछा है, उसको शामिल किया गया है और इसमें डिटेल्स में बताया जाएगा कुछ जो है यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। साथ ही साथ जानेंगे अनुवादक भर्ती के प्रवेश पत्र जारी और 70,000 शिक्षक भर्ती कब तक आ रही है, तीन तमाम तरह की बड़ी खबर देखेंगे आज। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। और वो कहते हैं कि सफ़र में मुश्किल अगर आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किल यदि आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। और कहते हैं अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर उन चीज़ों का, इसलिए न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसलिए जो है अपने अंदर ही किसी स्टेमिना को बिल्ट करिए कि जिसमें वैल्यूएबल हो। इसी के साथ इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबर जिसमें एलटी ग्रेड विज्ञापन की भी चर्चा होगी। सबसे पहली खबर आज के प्रमुख समाचार पत्रों में दी गई, सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की याचिका खारिज करते सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र न देने पर आरक्षण का लाभ नहीं, जो कि टाइम पर यदि नहीं दिए तो प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं की दलील को नकारा। तीनों उम्मीदवारों की ओर से कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील के परमेश्वर ने कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10% आरक्षण वाले मेमोरेंडम में कहीं नहीं लिखा है कि इस श्रेणी में आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र के बदले छात्रों में आर्थिक स्थिति को वरीयता दी जानी, कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना है। और ये बात हो रही आरक्षण देने के संदर्भ में जो है, तो जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सिविल सेवा के तीन उम्मीदवारों की याचिका खारिज करते हुए ये बात कही। पीठ ने सोमवार को सुनवाई करते संघ लोक सेवा आयोग के फैसले को सही ठहराया। तीनों उम्मीदवार ने 2022 के सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए 2020 और 21 की आय का प्रमाण और सही फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अंतिम तिथि से पहले अपलोड नहीं किया था। तो ये यहाँ का आर्डर है, ये सभी आयोगों में लागू होता है, इसलिए इसको ध्यान दे लें। जो भी इस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, जो अप्लाई करते हैं ईडब्ल्यूएस से, वो प्रमाण पत्र को समय से बनवा लें और सत्र देख लें, जिस सत्र में मांगा जाए उसी सत्र में बनवा के ही उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करें या वो डाटा फिल करें, ताकि जब भी डाटा मांगा जाएगा आयोग के द्वारा तो उसी डेट का जो है डाटा देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये चीज़ें ध्यान दें, खासकर जो है जो भी यूपी ट्रिपल एससी से परिणाम आने वाले हैं उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है इस चीज़ को। बिहार शिक्षक भर्ती जो आएगी, 70,000 शिक्षकों के रिक्त पद जो विज्ञापन हुआ, 15 दिन में वैकेंसी आ जाएगी। शिक्षा विभाग ने जो है खाली पदों को श्रेणी विषयवार अंतिम रूप से फाइनल कर रहा, पदों की संख्या 1,00,000 या इससे अधिक हो सकती है। बात हो रही है कि परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय प्रतियोगी छात्रों को नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के पदों जो नहीं भरे जा सके हैं वे पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। और वहीं इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती जो होगी वो लगभग 70,000 से बढ़कर 1,00,000 या इससे अधिक भी हो सकती है, क्योंकि 57,000 रिक्ति थी पहले चरण में जो है और 42,000 इसमें आवेदक हैं, यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में दूसरे चरण में वैकेंसी जुड़ेंगे। तो कुल जिलों का जो है ब्यौरा जो बिहार सरकार द्वारा लिया जा रहा है श्रेणीवार, उसके बाद जो ये विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि अगर यदि गलत प्रमाण पत्र देंगे तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच में पाया गया है कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे, कई ने सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए, तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन का जो स्तर होगा पूछने का परीक्षाओं में, वो सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा डीप अध्ययन करेंगे तो ये एग्जाम्स काफ़ी ईजी होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज के समाचार पत्रों में यह डाटा दिया गया कि अप्रैल जून तिमाही में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी 1% से घटकर 6.6% हो गई। देश में इस साल अप्रैल जून में तिमाही में शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर सालाना आधार पर 1% घटकर 6.6% जो है रही है। वहीं बात कर लेते हैं बी फार्मा में सीटें जो है 31,000 और रजिस्ट्रेशन मात्र हुए 3,524। प्रदेश में कोविड काल के समाप्त होने के साथ ही फार्मेसी की पढ़ाई को लेकर के जो है युवाओं का क्रेज भी कम होने लगा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय इक्विटी से आयोजित जारी बी फार्मा की प्रेस काउंसिलिंग में 31,000 सीट के सापेक्ष मात्र जो है 3,524 जो है रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वहीं अगली खबर है कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अनुवादक भर्ती टीयर 1 परीक्षा 16 तारीख से होगी और इसके लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। 16 अक्टूबर को टीयर 1 की परीक्षा होगी, जिसमें एसएससी की मध्य क्षेत्र की वेबसाइट पर इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। 12 अक्टूबर से इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। इस परीक्षा के लिए यूपी और बिहार में कई चरणों में केंद्र बनाए गए हैं। जो भी इसमें सफल अभ्यर्थी होंगे वो टीयर 2 जो परीक्षा होगी उसके लिए जो है 307 पदों पर जो है अंतिम रूप से उनका जो है चयन होगा। तो ये 12 सितंबर तक चला था आवेदन, जो अनुवादक के 307 पदों पर भर्ती के लिए एसएससी ने 22 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया था। वहीं क्लाउडिया को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला, इकोनॉमिक का नोबेल जीतने वाली तीसरी महिला है क्लाउडिया। इनका संबंध जो अमेरिका से है और ये क्लाउडिया गोल्डन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला। उन्हें मार्केट में महिलाओं के काम काज और उनके योगदान को बेहतर तरह से समझाने के लिए ये सम्मान दिया गया है।
कमेटी ने लेबर मार्केट में कोल्डिंग के रिसर्च को बेहतरीन माना और उनका रिसर्च लेबर मार्केट में महिलाओं के साथ हो रहे पक्षपात और उनके कमाई को लेकर की जानकारी दी गई है। 200 साल के आंकड़ों की स्टडी कर रिपोर्ट तैयार की गई थी और इसमें बताया गया कि जेंडर का रोजगार और कमाई पर क्या असर पड़ता है। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था नोबेल। इकलौते ऐसे भारतीय जिन्होंने 1998 सम्मान से नवाजा गया था, उन्हें इकोनॉमिक साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी में उनके योगदान के लिए नोबेल प्राइज मिला था। वहीं 2022 में बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट 3 इकोनॉमिस्ट वेन वेन आर्क, डगलस डायमंड और फिलिप डिविक को भी नोबेल मिला था। अब चलते हैं ये पीटीपी से कुछ अपडेट है जिसमें बीपीओ परीक्षा को लेकर आप लोगों की क्वेरी थे कब तक ये परीक्षा होगी, तो प्रतियोगी छात्र इस चीज़ का ध्यान दें विशेष तौर पे कि बीपीओ की परीक्षा जो होगी यूपीटीपीएससी जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है करा सकता है। अभी फिलहाल जो है इसमें टाइम है, इसलिए तैयारी जो करते रहें। और वहीं जो है एएसओ की नई भर्ती को लेकर के बताते हैं, अभी जो है एएसओ की नई भर्ती को लेकर के चर्चा जो है ऐसी कोई चर्चा है नहीं, जबकि 1500 लगभग जो विज्ञापन जारी होने हैं और उसको लेकर के जब तक ये रिजल्ट आउट नहीं हो जाता तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल जो आयोग रिजल्ट जारी करने जा रहा है जिसको लेकर की जानकारी ये मिले कि रिजल्ट बहुत हाल फिलहाल में देखने को मिलेगा एसओ का। और लोग क्या कहते हैं कि दिवाली पे आएगा कब आएगा उस पर ध्यान मत दीजिए, जितनी खबरें आपको यहाँ बताई जाती है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए उसको फॉलो करते रहें और आपको जानकारी जो भी होगी डिलीवर की जाती है वो ऑथेंटिक दी जाती है। और वहीं पर बात कर लेते हैं जो बीपीओ की परीक्षा है, तो अभी दिसंबर के लास्ट में चर्चा है, लेकिन ये मान चलिए कि परीक्षा कुछ जनवरी तक जा सकती है। और वहीं जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीएलटी ग्रेड का विज्ञापन जो है उसका 60 नोटिस जो देखने को मिलेगी वो नवंबर माह में देखने को मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में जो भी लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अक्टूबर में 15 तारीख तक स्थिति अभी स्पष्ट होगी। आयोग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया शासन स्तर से अभी उस पर कोई जवाब जो है नहीं आया है, इसलिए इस माह तो कोई भी 60 नोटिस सीएलटी ग्रेड विज्ञापन को लेकर नहीं जारी होने वाली है। तो ये कुछ खबरें थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और पीटीपीएससी से, और कुछ शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है उसकी अपडेट के लिए थोड़ा इंतजार करें, फिर एक अपडेट उस पर दीजिए कि हाँ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का आयोजन जो है जनवरी मिड तक भी होने के आसार हैं, जो जानकारी अभी तक हो रही कि आयोग जो अपना कार्य करना शुरू कर देगा मिड नवंबर तक। तो देख रहे थे आप एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट के साथ। खबरें छोटी हो या बड़ी हो यदि प्रतियोगी छात्र के हित की होंगी तो आपको जरूर देखने को मिलेगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। खुद सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को भी सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।